हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है और मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा दिया है और अब लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि आज सैटरडे है और आज मौनी अमावस्या भी है, आज नहावन है। तो मैं गंगा जी तो नहीं गई, लेकिन घर पर ही गंगा जल डाल करके नहा लिया है और घर पे पूजा पाठ वगैरह कर रही हूँ। इसके बाद मैं चलूँगी मंदिर। मंदिर के पास पीपल का पेड़ है तो वहीं जल वगैरह चढ़ाऊँगी, क्योंकि अमावस्या के दिन शनि मंदिर में पूजा किया जाता है। शनि मंदिर में नहीं, मतलब पीपल के पेड़ में। तो अभी मैं वहीं चलूँगी और बच्चे लोग स्कूल जा चुके हैं, तब मैं इत्मीनान से अभी चल रही हूँ मंदिर। और आज मौनी अमावस्या है तो सुबह से मौन रह कर के नहाया जाता है, और आज शनि अमावस्या है तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर की साड़ी भी पहन ली है। ब्लैक कलर मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैं एक आठ साड़ी रखती हूँ ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर मैंने अपने घर की पूजा कर ली है, और बहुत कम होता है कि शनिवार भी हो और अमावस्या का दिन भी पड़े। तो मैं आज सुबह जल्दी उठी थी और झाला वगैरह मार करके, झाला नहीं रहता लेकिन फिर भी थोड़ा सा नाम कर देती हूँ, रख के झाड़ू पोछा वगैरह लगा लिया, फिर नहाया, बच्चों का लंच वगैरह बनाया, फिर कपड़े चेंज करके अभी मैं आई हूँ पूजा करने। और मेरे हस्बैंड जी तो आजकल सुबह ही जा रहे हैं, तो 6 बजे चले गए हैं ड्यूटी। और उसके बाद फिर अब मेरा काम हो रहा है और मैंने मंदिर में पूजा वगैरह कर लिया और वही अपनी डोलची में इतना सारा सामान रख ले रही हूँ और चलूँगी मैं मंदिर। और मंदिर में अकेले नहीं गई थी, मेरे घर में जो ऊपर भाभी रहती हैं उनके साथ गई थी। तो यहाँ पर हम लोग अंदर मंदिर में पूजा कर लिए, फिर उसके बाद आए हैं पीपल के पेड़ के पास जल वगैरह चढ़ाने। और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं लगभग, तो यहाँ पर हम लोग जल वगैरह चढ़ा के फिर थोड़ा सा परिक्रमा कर लेते हैं 5 बार। और जब कभी सोमवर्ती अमावस्या पड़ती है तो मैं यहीं पर आती हूँ फेरी देने। तो यहाँ पर हम लोग का पूजा हो रहा है और 9:30 बज चुके थे इसलिए भीड़ ज़्यादा नहीं थी, सब लोग लगता है पूजा कर चुके थे, बस हम ही लोग थे और थोड़े से लोग थे उधर। और मंदिर के अंदर वीडियो बनाना मना है इसलिए मैं उधर नहीं की थी। तो पूजा उजा करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रील्स बनाया, और यहीं पे पास में ही एक तालाब है जहाँ छठ पूजा होता है, जूतिया पूजा भी यहीं होता है। फिर रील्स वगैरह थोड़े से बनाने के बाद फिर हम लोग आ गए, और रास्ते में बगीचा है और इधर सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, वो लोग देख रहे थे, हंस रहे थे। तो चलिए, तो अभी अभी मंदिर से हम लोग आ गए, आज मौनी अमावस्या था इसलिए मैं चली गई थी दर्शन करने पीपल भगवान के पास जल चढ़ाने। तो चलिए चलते हैं किचन में, कुछ चाय वगैरह बनाती हूँ मैं, और अभी कपड़े भी डालने बाकी हैं। और रात को आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, खूब हर हर बारिश हो रही थी, और दूध वाले भैया भी आ गए थे तो दूध भी गर्म करना है। तो चलिए थोड़ा कपड़े डाल लूं, और ठंडी लग रही है, चप्पल नहीं है पहनने।
स्प्रे उपरे डालने के बाद मैं नीचे आ गई थी और आज मैं बना रही हूँ मसाला डोसा। और अभी दोपहर भी हो गया है, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो गया है, वो लोग आ भी गए हैं। तो आज मैंने आलू उबाल के नहीं बनाया, ऐसे ही आलू को छोटा छोटा काट दिया था और इसमें गाजर वगैरह भी डाल दिया था। बहुत ही टेस्टी इसका मसाला आज बना था, जैसे होटल में मिलता है मसाला डोसा जब घर, अरे सॉरी, जब बेड लेने हम लोग गए थे तब रास्ते में खाए थे मसाला डोसा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और उसमें भी ऐसे ही छोटा छोटा गाजर डाला था, तो इसलिए आज मैं भी बनाई हूँ। और चावल दाल वगैरह नहीं बनाई, डायरेक्ट मैं डोसा ही बना रही हूँ। आज हम लोग का लंच यही रहेगा। और बच्चे भी टीवी देख रहे हैं, तो चलिए मैं उनको सर्व कर दे रही हूँ, उनको दे देती हूँ खाने के लिए। और डोसा वगैरह तो गर्मा गर्म भी अच्छा लगता है, एक लोग बस बनाते रहें और एक लोग खाते रहें। तो चलिए देखिए मेरा डोसा कितना टेस्टी टेस्टी लग रहा है। और मेरे पास डोसा तवा है तो बहुत ही इजी रहता है बनाने में, बिल्कुल भी नहीं चिपकता। नहीं, मैं पहले लोहे के तवे में बनाती थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, दो चार तो ख़राबी हो जाते हैं, लेकिन इसमें चाहे पहला हो चाहे दूसरा, सब डोसा एकदम परफेक्ट बनते हैं, एकदम टेस्टी और अच्छा सा। सभी लोग के खाने के बाद मैं यहाँ पर बर्तन धुल रही हूँ, जो थोड़े बहुत बर्तन थे उसको भी मैं धुल ले रही हूँ, क्योंकि ठंडी के दिन है तो दिन बहुत छोटा हो जाता है, लगातार काम न करो तो फिर शाम हो जाती है। और बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं इनका जैकेट सिल दे रही हूँ, ये उनका ठंड वाला जैकेट है, और ये थोड़ा सा बगल से सिलाई इसकी खुल गई थी तो ही मैं सिल दे रही हूँ इसको।
शाम का टाइम, सारे काम हम करने के बाद मैंने दिया जला दिया है। और आज अमावस्या है तो गेट के बाहर भी जला दी हूँ और शमी के पेड़ के नीचे भी, शमी के पौधे के नीचे। अमावस्या के दिन ज़रूर एक गेट के बाहर दिया जलाना चाहिए मुख्य द्वार पे। और यहाँ तुलसी मैया के पास भी जलाया है मैंने। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। वो लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं। घुस गए हो उसी में मूड़ी डाल के? तो उधर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो अभी खाना थोड़ी देर बाद बनाएंगे। तो थोड़े से इनके कपड़े थे जो आज मैंने धुले थे, इनका वर्दी वगैरह, तो मैंने सोचा प्रेस कर लूँ। तो ही मैं प्रेस करने के लिए लेकर बैठ गई हूँ सारे कपड़े। और इनका वर्दी वगैरह करने के बाद मैं फ्री थी तो मेरा मन किया मैं अपनी सारी साड़ियाँ वगैरह प्रेस की, बच्चों का भी थोड़ा बहुत कपड़ा था वो सारा प्रेस की। 7:30-8 बजे तक मैं कपड़े ही प्रेस करती रह गई। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया और फिर ये भी आ गए और बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का मेरा ब्लॉग बस इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए और थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए और चैनल को मेरे शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।